छोट भजा ओ सा चढ़ गए हे छोटी अब जॉगिंग कर रहा है लगता है थोड़े दिन आज 3-4 किलो काटा जाना है लेकिन अगले 2 दिन में जॉगिंग नहीं कर मैं थक गया हूं सा भी चढ़ जाता है छोटी की होया भाई हैं ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤੈ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਹੈ ਬੋਏ ਪੌਦੇ ਬਹੂਲ ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੈ ਪਾਇਨ ਬਚਪਨ ਮੇ ਆਪਨੇ ਕਹਾਵਤ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਆਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਾਦ ਹੈ ਪਾਇਨ ਆਪਕੋ ਕੀ ਜਬ ਹਮ ਬਚਪਨ ਮੇ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਮ ਜੋ ਹੈ ਚੁਰਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰਤੇ ਉਹ छोटे आम पिल्लू करके ओए होए की याद कराता छोटी लेकिन पायन जब ये छोटे छोटे पिलपिले आमों में जाला निकल आए ना तो क्या करना चाहिए फौरन कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए ठाकते इससे पहले के टिड में बेदहजमी हो गलते बिल्कुल ठीक है लेकिन कि तू आम दी को फैक्ट्री लान लगी है कल दस सुनो अगर कोई ओको हाथ से बाहर हो जाए और लंबी ऊंची उड़ान उड़ने लगे ठीक है हैं क्या करना चाहिए बहुत ही गिच्ची फाड़ के ना जमीन पे ए करके मार देना चाहिए जोर से ना जोर ना लाओ ये गल सुन रे छोटी है कहीं तू मेरे बारे से नहीं कह रही पता चल जाए ना चल जाएगा तुम्हारी बड़ी जल्दी पता चल जाएगा बस तुसी तैयारी कर लो मैं की ठोकर ले तैयार हूं बिल्कुल ठीक दरिंदे नु पकड़ के ना मैं बिफरे हुए दरिंदे नु पकड़ के ऐसे पटकना है मैंने जमीन के ऊपर और की गिच्ची के ऊपर ना ऐसे ऐसे मैंने उसको सांस नहीं लेने देना और फिर मैंने उसको खूंटे से बांध देना है तैयारी फड़ लो गली कोई नहीं हो जाऊंगा हो जाऊंगा पता नहीं की कह गई आए ओ बंटी ओ लिया लस्सी ओए ओ कमजोरी हो गई ये यार आ गया खाने वाला आ गया खाओगे मजा पाओगे चखोगे याद रखोगे निराली जी ये है शौकी के हाथ की स्पेशल बिरयानी और जोया जी क्योंकि आप बिरयानी नहीं खाती इसलिए आपके लिए है फ्राइड राइस और सबसे पहले इसको लीजिए लीजिए निराली जी पहली बाइट आप लेंगी क्योंकि मैं आपका फीडबैक चाहता हूँ प्लीज हैव सम चॉकलेट सो यमी है ना इट विल फिल योर टमी यमी है या इसमें कुछ कमी है इसका फैसला तो मम्मी ही करेगी और तू अच्छी तरह जानती है बंदे को परखने में निराली कभी कोई गलती नहीं करती ऑफ कोर्स मॉम निराली जी आप तो खुद इतना अच्छा खाना बनाती हैं आपको तो बेहतर पता होगा कैसा बना है हाँ और बताने के लिए खाना थोड़ा और डालना चाहिए ना तो मैं और डालता हूँ नहीं बस खा लिया मैंने और नहीं चाहिए तो छुटकी मुझे डाल दे हाँ क्यों नहीं हाँ ये ला एक प्लेट पड़ा ये ले अच्छी बरिया फड़ो अरे स्पेशल खाना बना है रतमाम भी तो स्पेशल होना चाहिए ना बल्कि इधर ला फड़ा खाना जाया नहीं होना चाहिए ऊपर से इतनी मजे की बिरयानी ये लो हाथे बैठ जाओ पहले फड़ हाथे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ थे दिखा वहां जमीन पे हाँ थले बैठ जा कि ये जल्दी जल्दी मत खाना बदहजमी हो जाएगी आराम से खाना है सुकून से मजे ले लेके बैठ जा थले हनी जी किचन में खाता है वो खा लेगा वहां पे जाने दे मैंने कहा स्पेशल एहतमाम से बना हुआ खाना है तो भी हमारे साथ ही बैठ के खाए ना नीचे हनी जी अगर तो ये मजाक है तो
सॉरी, बहुत ही बौंडा मजाक है। शौकी जी, उसे बड़े शोखे हो रहे हैं। आपकी इतनी औकात है कि मैं आपसे बकल्लम खुद मजाक करूं? तो फिर बहुत ही माजरत के साथ कहना चाहूंगा जी, ये कहना, ऐसा करना, नौकरों को अपना सर खरीद गुलाम समझना एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन है और बहुत ही घटिया हरकत है। ज़बान को लगाम दे शौकी, तमीज़ से बात कर, मत भूल कि मैं निराली हूँ तेरी मालकिन, जिसे तुम हर महीने ना हाँ खा लेकर 1,000 रुपए। नहीं भूलूंगा जी, ये तो कभी नहीं भूलूंगा। आप लोगों को कुछ और चाहिए हो तो आवाज दे दीजिए। What is this behavior, mom? ना तू चुप करके बैठ जा। Unbelievable. खाना खा, मत भूल कि ये मेरा घर है और यहाँ पे वही होगा जो निराली कहेगी, समझी तू? गिटपिट करती रहती है। शौकी मेरी बात तो सुनो। नहीं, आप जाए यहां से अभी, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। जोहर जी, ऐसे करता है क्या कोई? क्यों इंसान को जानवरों की तरह जमीन में बिठा के खाना खिलाना? बदतमीज, स्टूपिड। मैं मानता हूं मैंने गलती की है, कभी प्लेट तोड़ देता हूँ मैं, कभी प्याला और कभी मोबाइल। हाँ, दिल तोड़ना नहीं आता मुझे। इंसानियत ही नहीं है। रिजवा जी, हमने तो जब कुत्ता भी पाला था ना, कुत्ता, तो उसको भी हजारों का खाना हम हजारों की बोल में इस तरह प्यार से बिठा के प्यार से खिला देते। मेरे कहने का मतलब है कि जो अच्छे वाले लोग होते होंगे वो तो यही करते होंगे ना, और करना भी यही चाहिए। आप जाओ यार। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन तुम ये निराली जी की बातों को ना ज्यादा दिल पे नहीं लो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। आपके लिए बहुत आसान है जोया जी, ये कहना से निकाल दो। हाँ है आसान, जाहिर सी बात है, तेरी तो पूरी जिंदगी इन्हीं जुमलों में और तानों में गुजरी है। फर्क सिर्फ इतना है शौकी कि मुझे आदत हो गई और तुम्हें आदत नहीं है। तो जोया जी, ये ना आपकी बहादुरी नहीं है, क्या आपकी गलती है, क्या आप ही सब सहती आ रही है? बिल्कुल है मेरी गलती। अडॉप्शन, जब कोई यतीम किसी के एहसान के तले तप जाता है ना, तो सैनी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती शौक। इसीलिए कहा था तुम्हें कि चले जाओ, पढ़े लिखे हो, कोई अच्छा काम देख लो, लेकिन तुम्हें तो नौकर बन के ही रहना है। एक बार जलील हो गए हो, ये हालत देखो, बच्चों की तरह रो रहे हो, और मेरे साथ तो ये डेली का है। बट एनीवेज, इंसानियत के नाते या दोस्त समझ के मशवरा ले लो, दे रही हूं, फैसला करो और जाओ। फैसला तो जोया जी मैं करके आया था यहाँ पे, और जो करने आया था वो किए बगैर मैं यहां से जाऊंगा नहीं। और आप ना ये चुड़ैल आंटी के बारे में टेंशन नहीं लिया, इसको तो देखो कैसे मैं बोतल में कैद कर रहा हूं। बोतल में कैद नहीं जाओगे, यही रहोगे,
तो फिर रोजली ओए थैंक यू किसके फोन ठीक करवाने के लिए हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं जी थैंक यू कहने की क्या जरूरत थी मैं दोबारा खराब होगा तो दोबारा भी मैं बनवा दूंगा कोई बात घर में एक चुड़ैल तो एक भूल भी तो है मॉम आपको उसके साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था शट अप अगेन ये जो जेर जबर पेश है ना ये मुझे पता है मुझे कब इस्तेमाल करनी है तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है समझ आई है तुम्हें मॉम आपको पता भी है कि सोशल वेलफेयर आजकल कितनी एक्टिव हुई नहीं है ये खबर हमारे घर से बाहर निकल गई तो सोचें क्या होगा सो व्हाट अरे नहीं नहीं अलीना जी ये क्या कह रही हैं आप निराली जी कोई जालिम थोड़ी है लोग तो अपने नौकरों के साथ क्या क्या नहीं करते और निराली जी ने तो हमेशा हमें अपनी पलकों पे बिठा के रखा फूलों की तरह रखा आपको नहीं पता गलती दरअसल मेरी है रानी जी ने तो कुछ नहीं किया आपको पता है लोग नौकरों के साथ क्या क्या करते हैं क्या मैं आप लोगों को छोटी सी कहानी सुना सकता मेरा एक रिश्तेदार था टीपू बड़ा अच्छा लड़का था वो मिस्टर सफदर के घर काम करता था पूरे दिल लगा के काम करता था कितने साल उसने वफादारी से मिस्टर सफदर के घर काम किया और एक दिन सफदर साहब को उसकी किसी बात पे गुस्सा आ गया और भरी महफिल में उन्होंने उसके काम के नीचे जोरदार चमाट धर दी टिप को बहुत बुरा लगा उसने रात का इंतजार किया और देर रात गए जबान ते भौंक रहे थे उन लोगों की आवाजें आ रही थी उसने क्या किया उसने क्या किया क्या किया उसने सफदर साहब का गला काट दिया Oh my God! Neck out! Neck gone forever. खून के फवारे और उसमें हंसता हुआ टीपू जेल हो गई बेचारे को उसके बाद और निराली जी तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती क्या कभी हाथ उठाया उन्होंने हम पे निराली जी मुझे माफ कर दीजिए गलती मेरी है और अलीना जी क्या किया है निराली जी अपने पास बिठा के खाना ही तो खिलाया अरे लोग तो क्या क्या करते अपने नौकरों के साथ गाड़ी की डिग्गियों में बिठा के दूर दूर का सफर करवाते रेस्टोरेंट में फुट बेड की काम उठाते और उनका मुंह दूसरी तरफ करा के उन्हें बस बिठा के रखते अरे फिर भी खाना तो खाया ना रानी जी प्लीज आई एम सॉरी कुछ गलती हो गई अच्छा तो बस 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 ओके ओके अरे रानी जी नहीं बस नहीं और इतनी इतनी बातों पर आजकल तो घरों के बाहर डाले आ जाते हैं और आप तो रानी जी क्या मैं गलत कह रहा हूँ Exactly, Mom, यही तो आपको समझाना चाह रही हूँ कि अच्छा मुलाजिम मिला उसकी कदर करें आपको पता है मेरी दोस्त के साथ क्या हुआ उन लोगों ने एक मुलाजिम रखा और उस मुलाजिम ने ना अपनी मालकिन के कंगन चुराने के लिए उस कलाइयां काट दी अरे हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते हमने तो इस नजर से कभी आपकी कलाइयों की तरफ देखा भी नहीं निराली जी प्लीज मारिए मुझे पीटिए मेरा यही बनता है आप क्या मारेंगे मैं खुद को मारता बस कर दो ये क्या नौकरों का फोबिया नहीं पालना मैंने जाओ जाओ जाके कोई काम ढूंढो और करो बहुत काम पड़े हैं चलो मतलब आपने मुझे माफ कर दिया हाँ हाँ कर दिया जाओ ऐसी अजीब औरत है मैं किसी को गले लगाना चाहूँ नहीं नहीं और नहीं कर सकता मैं हाँ प्यास काटो तुझे कितनी बार कहा इस टाइम पे फोन नहीं करते मुझे अरे बॉस कहाँ हैं आप ऑफिस पहुंचे क्यों अब कौन सी कयामत टूट पड़ी यही समझ लें कि कयामत टूट पड़ी है वो फरीद वालों की जो दिमाग की शर्मानी है ना वो क्यों वो शर्मानी को उसकी फिटिंग का मसला हो गया है वो बहुत गालियां दे रहे हैं आप खुदा का वास्ता है आप आ जाए वो बहुत नाराज है यार आप ही सही कर सकते हैं
तुम सपना पता है बेकार बेकार एक नंबर के बेकार। हम मतलब ये फिटिंग विटिंग से छोटे कामों के लिए भी मैं वहां पे आऊंगा। जी आप आइए वरना फिर से गालियां पड़ेंगी, बहुत गालियां पड़ेंगी, प्लीज आइए। चल फोन रख अभी, आता हूं मैं करता हूं कुछ, पर दोबारा ना इस टाइम पे फोन नहीं करना समझे। हमजा घर छोड़कर चला गया, पता नहीं किस हाल में होगा मेरा हमजा, सब्र नहीं हो रहा मुझसे। एक माँ के दिल से खेलते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? और रानी वो जो मेरे दिल से खेल रहे हैं, उसका क्या? हमजा का पीछा क्यों नहीं छोड़ दिया? बताया क्यों नहीं भाभी को? धमका रहा था मुझे, कहता अगर किसी को भी बताया तो उसकी लाश घर वापस आएगी। तुम शादी करना चाहती थी ना उससे, तो मुझे बताया होता ना, ये खेल क्यों खेला तुमने? What the hell is going on here? जब मैं एम्प्लॉई का कैरेक्टर प्ले करता हूँ ना, अरे क्या क्या नहीं होता है मेरे साथ, फिर भी मेरा काम एकदम सॉलिड पक्का। क्या कह रहे हैं सर आप? शट अप। और तू उधर कोने में क्या झाड़ू लगा रहा है? बाहर निकल, गंदगी यहाँ है ना, क्या लगा? और अगर एक भी तिनका दिखा ना मुझे तो मैं व्हाट द हेल इज रियान का सर, वो उधर लगे हुए सामने। क्या लगे हुए? वो काम कर रहे हैं। कुछ कैसे लगे हुए हैं सर? काम कर रहे हैं जी, काम कर रहे हैं। अरे फिकर क्यों कर रही हैं? आपका ड्रेस रेडी हो जाएगा, बॉस आने वाले, बस जस्ट गिव मी 2 hours, ऑल विल बी डन। बॉस अच्छा हुआ आप आ गए, एक और ऑर्डर आया है। सिस्टम में जॉल लेके रहूंगा क्योंकि सर नहीं आए, सर नहीं आए, सुनामी आ गया बेटा, सुनामी हो गया। यहाँ पे मेरे पे जुल्म हो रहा है और तू कोने में खड़ा होके अपने फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर फुटेज खा रहा है। क्या हो गया आपको एकदम? अरे बिच्छू लड़ गया मुझे बिच्छू। अरे मेरे पे यहाँ पे क्या क्या नहीं हो गया, और तू यहाँ पे बैठी एसी की हवाएं खा रहा है, हैं? एंजॉयमेंट कर रहा है? अरे तुम सॉन्ग देख रहे हो? अपने ही सामान है। सच सच बोल, सच सच बोल, तेरे और रीना के बीच में क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, पसंद करती है मुझको, मेरे पीछे पड़ी हुई है, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। अच्छा एड्डा तू रहना नहीं है, हैंडसम, तेरे पीछे पड़ी हुई है, हैं? देख इस पे तो ना डिटेल में बात होगी, डिटेल में तो हम बैठेंगे, समझ आ रहा है? क्या इशारे क्या कर रहा है? ड्रेस। इसके बाजू को क्या हुआ? इसके बाजू का नाप आगे पीछे हो गया। किसने छेड़खानी की? अरे फट मुंह से बोल कुछ, मास्टर जी ने मुझे हार्ट अटैक हो। बुला मास्टर को, बुला इसकी, तो मैं ऐसी छुट्टी करूंगा ना। मास्टर जी आओ, अब्बू आए। सर सर मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई सर, मुझसे नुकसान हुआ है, आप कहेंगे तो कल से काम पे नहीं आऊंगा मैं। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं हाथ भी एक साथ नीचे। सर मेरे अगले महीने की तनख्वाह से पैसे काट लीजिएगा ना। आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ कर दिया माफ मैंने तुम्हें भाई। सर आइंदा मैं बहुत ख्याल रखूंगा सर। जा रे तू।